हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड। सो आज के व्लॉग की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग होगा कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए नहीं होगा। तो जिन लोगों के लिए नहीं है वो थोड़ा देख के सब्सक्राइब करके फिर कट लो, भली कटना ही है तो। बट यस, टेक्निकली अभी मेरे पास में कुछ मेरे शूज़ जैकेट और है जिसको हम लोगों ने कल क्या मैं कुछ तो भी तो ऐसे कुछ टाई डाई वाले वीडियोज़ और देख रहा था, तो मेरे को भी दिमाग में आया कि यार इनको भी अपन कलर कर देते हैं। सो अभी द फर्स्ट स्टेप इज फाइंडिंग द शूज़। ये मिल गए हैं अभी फ़िलहाल, हो रहे हैं ये बहुत ज़्यादा गंदे। ये ब्लैक थे पर अब ये थोड़े ग्रेइश हो गए हैं, वॉश हो के तो अब हम इनको थोड़ा वॉश कर देते सबसे पहले। ऑफिशियली शूज़ हमने धो दिए हैं और अब इनको थोड़ी देर धूप में डाल देते ताकि सूख जाए, उसके बाद में हम लोग प्रोसेस चालू करेंगे, तब मैं भी आप लोगों को बताऊंगा कैसे करते हैं। और हियर वी गो, चलो हाफ काम खत्म। अच्छा, दिन में कुछ एक्साइटिंग ना हो ऐसा कभी हो नहीं सकता। और मैं सुबह सुबह था, मम्मी ब्रेकफास्ट नहीं बना रही थी, आज चोरपंती हो रही थी पूरे दिन घर में, तो मैं आया, मैंने मैगी की पैकेट निकाली, मैगी पैक मसाला निकाला, पानी डाला, सब कुछ करा और गैस हमारा हो चुका है, मतलब सिलेंडर गैस ख़त्म हो चुका है। और घर में जो एक्स्ट्रा सिलेंडर था वो भी ख़त्म है, तो ब्रेकफास्ट हुआ नहीं है। भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, दिन के 12 बज चुके हैं अभी तक। तो अभी मैं बेसिकली जा रहा हूँ मेरे फ्रेंड के घर पर उसके वहाँ से गैस सिलेंडर लाने। सो चलते हैं। तो भाई जो गर्मी हो गई है ना, मतलब अब ही ऐसा लग रहा है कि मई जून वाली गर्मी आ गई ऐसा लग रहा है, पर ऐसा सब कुछ सीन है नहीं। अभी हो रहा है फरवरी चल रहा है, आज है 5 या 6 और गर्मी हो रही है इतनी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा क्या ही बताएं। मतलब कुछ तो अजीब हो रहा है। अच्छा, थोड़ा सा सीन हो गया है पता नहीं कैसे, पर मेरी वाली गाड़ी है स्टार्ट स्टॉप बटन वाली, यानी उसके लिए चाबी यहाँ पर होना ज़रूरी है ना गाड़ी में, पर मेरी पॉकेट्स में चाबी नहीं है पर गाड़ी ऑन हो रही है और मेरे पास चाबी नहीं है, ऐसे कैसे। ओह देखिए ये रही चाबी, मेरी पॉकेट से स्लाइड होके नीचे गिर गई। ठीक है, बैक टू होम। नहीं है इसमें, वाह भाई ये वाला सिलेंडर भी आउट। आज खाना बाहर से आएगा भाई, और कुछ नहीं भाई। हो रहे हैं कांड पे कांड, जो सेकंड वाली जो मैं टंकी लेके आया था उसके अंदर भी गैस नहीं थी। अब मेरी मम्मी और वो उधर से कहीं से पूछ के मेरे को ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसे चेक करना चाहिए, वैसे आता किसी को नहीं आ चेक वेक करना, ये सब बस वो वाली चीज़ें हैं कि तुझे नहीं आता और हमें आता है। पर ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ कौशिक भैया के घर पे क्योंकि उनसे बात हुई है कि उनके पास पे पड़ी एक्सेस टंकी, तो अब पहले अपन चल रहे हैं और वहाँ से वो लेके आते। यो गाइस, ऑफिशियली गॉट द सिलेंडर। थोड़ा मैं थक गया हूँ क्योंकि मैंने उसको हाथों में उठाया पूरी भरी हुई टंकी को, और मतलब करीबन 50 मीटर मैं उसको ले के आया हूँ, फिर मैंने गाड़ी में डाला क्योंकि यहाँ पे गलियों में हर गली में गाड़ी जाती नहीं है, वैसा वाला सीन है। पर चलो घर पे यार कुछ खाते हैं, सुबह से बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। गाइस फाइनली सिलेंडर लग गया है नया और अब हमारी शायद मैगी बन जाएगी। फाइनली मैगी बन गई और सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया और अब जाके हम खाएंगे। और अब मम्मी भी हाथ बटा रही है मैगी खाने में, ऐसा बोले तो है, तो ठीक है अभी हम कुछ खाएंगे उसके बाद हम कुछ करेंगे। उसके बाद जो हमने सुबह शूज़ को डाला था अब एक बार चेक कर लेंगे, अगर वो ड्राई हो गए होंगे तो फिर हम उसका रेसिपी भी चालू कर देंगे, उसको अपन आज ब्लैक करेंगे, तो देखते हैं।
लाए चम्मच आप? मैं जाने तो धर लाए, मैं मरी लेके। सेल्फिश, टोटल सेल्फिश। ओए मान, ओए गाइस, हमने रख दिया है अभी जूते डाई करने का, शायद टाइम आ गया है। तो हम लोगों ने, मम्मी एक सेकंड, मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, ये रोता ही रहेगा हमेशा की तरह। ठीक है, सो बेसिकली हम लोगों ने रख दिया है इसके अंदर पानी गर्म करने के लिए। इसमें डाल दिया हमने नमक, है ना, नमक पता नहीं क्यों, पर इम्पोर्टेंट फैक्टर था इसके अंदर, हम लोगों ने वो डाल दिया है। और अब हम इसके अंदर मिक्स करने वाले हैं कलर, और उसके बाद में हम लोग एक शूज, मेरा एक डेनिम जैकेट है जो काफ़ी पुराना है वो, और बाकी बहुत शायद अभी तो फिलहाल दो ही चीज़ें जो मेरे को डाई करनी थी वापस ब्लैक में। तो फटाफट अपन लोग इसके अंदर वो मिक्स करते हैं और फिर चलते हैं। है हमारा कलर, सो बेसिकली कलर हो चुका है इसके अंदर मिक्स, काला काला पानी दिख रहा है। पहले मैं जैकेट ढूंढता हूँ, फिर चालू करता हूँ। वी आर, आई एम बैक। वैसे इसके अंदर रख दिया है थोड़ा रिमेनिंग ब्लैक वाटर, यहाँ पे थोड़ा गदा खराब हो गया था तो मैंने साफ सफाई कर ली है, बट यस मैं दिखाता हूँ। पानी कर दिया था इसमें शिफ्ट, शूज को अपसाइड डाउन करके कर दिया है, एक घंटे के लिए अपन लोग छोड़ रहे हैं, उसके बाद में इनको वॉश करके फिर इनको सुखा देंगे, और फिर शायद अल्टीमेटली कल पता चलेगा। हाँ ठीक है, तो अभी चल रहे हैं अपन फटाफट नहाने। अपन में मतलब मैं ही हूँ, आप लोग नहीं आ रहे हो साथ में, एक्सप्लिसिट हो जाएगा कंटेंट। ठीक है, तो हाँ, सो मैं नहाऊंगा, उसके बाद में मुझे इंस्टाग्राम के लिए एक रील शूट करनी है, मतलब गेट रेडी विद मी, मैं शूट करता हूँ। सो यस, यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम एज वेल। और अभी ठीक है, फटाफट चलते स्टार्ट करते फिर। हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ टेरेस पे, क्योंकि बहुत देर हो गई थी, और शूज़ आई थिंक सो पूरे अच्छे से सोक्ड हो चुके हैं, बस अब इनको बाहर निकाल कर इनको पानी से, नॉर्मल पानी से धोना है, और उसके बाद में इनको सुखा देना है। सो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। ठीक है, सो इट्स टाइम फॉर द सेकेंड राउंड। मैंने शूज़ को धोकर ऊपर सुखा दिया है, तो अब जब वो सूखेंगे तभी मैं आपको रिजल्ट ही दिखाऊंगा। बाकी ये है मेरा डेनिम जैकेट, इसकी हालत हो रखी है बहुत ही ख़राब, बहुत साल पहले ख़रीदा हुआ है, तो हम बेसिकली इसको भी ब्लैक करने वाले हैं। प्रोसेस चालू करते हैं, अभी पानी गर्म हो रहा है वापस से कलर वाला। गाइस सेकंड बैच हो चुका है रेडी, और मैं बस इसको ढंग से सोक्ड कर रहा हूँ इसमें, ताकि इसका हर एक पार्ट इवनली ब्लैक हो, ना ऐसा नहीं हो कि आधा पुराना जैसा रह जाए और आधा नहीं हो। सो हम इसको ढंग से ऐसे कर रहे हैं, और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एपिसोड। और अभी शाम की कुछ 5:30 बज रही है, और हम लोग जा रहे हैं आज मान को दिखाने, क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा रोता है, और कान पे, मम्मी को ऐसा लगता है कि कान पे इसको कुछ अंदर पेन हो रहा है, इसकी वजह से ऐसे कर रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी डॉक्टर के पास, और मम्मी अब क्यों कर रहे हो पीछे से है? ऐसे ही भाई। ऐसे ही क्यों? बस ऐसे। बताओ ना, सब दिन ब्लॉग बनाता रहता है इसलिए। तो भाई अब ये तो काम तो करना पड़ेगा यार। हाँ करो बेटा, अच्छी बात। सो अभी बेसिकली हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास में, और मान को दिखाते हैं, फिर मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ कि क्या हुआ है, वो क्या बोल रहे हैं, कुछ हुआ भी है या नहीं हुआ है। अपडेट आ चुका है गाइस, एक घंटे से मैं तो गाड़ी के अंदर बैठा हूँ और कुछ कर नहीं रहा था, यूट्यूब देख रहा था, पर हाँ दिखा दिया है मान को, और डॉक्टर बोल रहा है कि शायद कान में कुछ इरिटेशन की वजह से खुजली या कुछ चल रही है, तो मेडिसिन आ चुकी है। और तो हाँ अभी चल रहे हैं फाइनली बैक होम। हेलो गाइस, वेलकम बैक, नॉट रियली वेलकम बैक, पर हाँ रात की 10 बज गई है, और आज का दिन का कंटेंट यही खत्म होता है। जो शूज और हम लोगों ने डाई डाई करे तो वो आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में मिल जाएंगे, जो कि आएगा कल वापस से, और इसी टाइम पे आई गेस इन द मॉर्निंग। और आप लोग अगर अभी तक प्लीज़ बने हुए हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मतलब मुझे पहले लगता था कि ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती है,
कि अगर आप किसी को बोलोगे तो इट्स जस्ट लाइक यू नो आप कुछ अजीब सा मांग रहे हो किसी से, बट यार एक सब्सक्राइब करने में किसी का कुछ नहीं जाता, इट्स जस्ट नॉट जस्ट लाइक इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग वाला बटन दबा दिया तो आपके एक फॉलो काउंट आ गया, नहीं होता ऐसा यूट्यूब पे। तो आप लोग जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और सपोर्ट कर सकते हैं मुझे, ताकि मैं और बहुत सारे व्लॉग्स बनाऊँ और बहुत सारे अमेजिंग चीज़ें करूँ लाइफ में। सो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, पीस आउट अंटिल द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।